जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और कई जगह बादल फटने से आई बाढ़ से भारी तबाही हुई। सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में हुआ। किश्तवाड़ की दक्षिण तहसील के दूरदराज गांव हंजर में बादल फटने से आई बाढ़ में मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा 17 घायल लोगों को बचा लिया गया, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी भी गाँव के 19 लोग लापता है। यहाँ 19 घरों, 21 पशु बाड़े और राशन डिपो को नुकसान पहुँचा है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पुलिस व स्थानीय लोगों के अलावा सेना, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की अतिरिक्त टुकड़ियां राहत अभियान में जुटी हुई हैं। मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर से जम्मू व श्रीनगर से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें भी मौके पर पहुंच जाएंगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों के बीच संक्रमण के 160 नए मामले सामने आने के साथ जम्मू में एक मरीज की मौत हो गई। बुधवार को सामने आए नए मामलों में से 60 जम्मू संभाग से तो 100 मामले कश्मीर संभाग से सामने आए हैं। वहीं बुधवार को 144 और मरीज ठीक होकर घरों को लौट गए। इनमें से 43 जम्मू संभाग से हैं तो वहीं 101 लोग कश्मीर से हैं। इसी बीच 160 नए मामले सामने आने के साथ इस समय प्रदेश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3,21,026 तक पहुँच गया है। वादी में डल झील किनारे स्थित ऐतिहासिक शालीमार और निषाद बाग का संरक्षण अब जिंदल समूह करेगा। ये दोनों बाग पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने JSW फाउंडेशन के साथ करार किया है। इन बागों के संरक्षण और जीर्णोद्धार में JSW फाउंडेशन जम्मू कश्मीर सरकार की न सिर्फ तकनीकी सहयोग के साथ वित्तीय सहायता भी करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में फ्लोरिकल्चर विभाग के सचिवायुक्त शेख फयाज अहमद और JSW के अध्यक्ष संगीता जुंदल ने MOU पर हस्ताक्षर किए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुराना राग अलापते हुए बुधवार को केंद्र सरकार से 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से जो कुछ छीना गया है उसे सूद समेत लौटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान ने नहीं छीना, बल्कि एक दल विशेष ने छीना है। अगर हमें इसे वापस पाने के लिए 70 साल क्या 100 साल भी लगेंगे तो हम लड़ेंगे। हम एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के ऊपरी इलाके में बादल फटने और उसके बाद आई बाढ़ से उपजे हालात की लगातार निगरानी की जा रही है। पवित्र गुफा में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। श्राइन बोर्ड, पुलिस और सेना का एक संयुक्त कार्यदल भी मौके पर है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए SDRF की एक टीम को बालटाल में और NDRF की एक टीम को श्रीनगर में अगले आदेश के लिए तैयार रखा गया है। उल्लेखनीय है कि बुधवार दोपहर बाद पवित्र गुफा के ऊपरी इलाके में एक पहाड़ी पर बादल फटा। COVID-19 के कारण यात्रा बंद होने के कारण कोई भी श्रद्धालु पवित्र गुफा पर नहीं था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस बदलाव के बाद अगर आपके बैंक पर RBI मॉरिटोरियम लगाएगा तो आपको 90 दिनों के भीतर 5,00,000 रुपए तक मिलेंगे। इससे 98% बैंक अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। DICGC बैंक डिपॉजिट जैसे सेविंग्स, FD, करंट या रेकरिंग डिपॉजिट को कवर करेगा। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ योजना को शुरू करने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने ये योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मिशन यूथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शाहिद इकबाल ने बुधवार को श्रीनगर में योजना को कामयाब बनाने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेधावी बच्चों की कोचिंग करवाने के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। चुने गए नए विद्यार्थियों को देश के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मिशन यूथ के तहत प्रदेश के 3,000 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलवाई जाएगी। इनमें से 30% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। किश्तवाड़ में परिहार बंधुओं की हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। उसे बुधवार को NIA की अदालत में पेश किया गया और उसे 3 दिन के रिमांड पर जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी भाजपा नेता अनिल परिहार और उसके भाई अजीत परिहार की हत्या मामले की जांच कर रही है।
ढाई दिन तक बंद रहने के बाद मंगलवार सुबह यातायात के लिए खोला गया बिरमा नदी पर बना पुल बारिश के 28 घंटे बाद फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। पहले तो अप्रोच रोड ही घंसा था, मगर इस बार जिस पर पुल टिका होता है उस अबेटमेंट की नींव क्षतिग्रस्त होने से वह धंसने लगी है। इससे पुल यातायात के लिए असुरक्षित हो गया है, इसलिए पुल को यातायात के साथ राहगीरों के लिए भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।